दोस्तों, करोड़ों लोगों के दिलों में रहने वाले किंग खान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी एक्टिंग से दीवाना बना चुके हैं। और जब से इनकी आईपीएल टीम जीती है तब से तो भैया इनका रुतबा ही अलग हो गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पठान और जवान जैसी हिट फिल्में देने वाले शाहरुख खान का शुरुआती फिल्मी करियर कैसा रहा है? क्योंकि इन्होंने एक हीरो के तौर पर नहीं बल्कि एक विलन के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करी थी। डर और बाजीगर जैसी फिल्में देकर शाहरुख खान ने एक अलग ही लेवल का बेंचमार्क सेट कर दिया था। लेकिन ये सब कुछ शाहरुख खान के लिए यकीन मानिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। बाजीगर की शूटिंग के दौरान ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक डिटेल बताने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, मजा आने वाला है। दोस्तों, साल 1993 में रिलीज होने वाली बाजीगर मूवी काफी इंटरेस्टिंग थी जिसमें शाहरुख खान ने एक विलेन का रोल निभाया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब ये फिल्म बनाई जा रही थी तो फिल्म मेकर्स की पहली पसंद शाहरुख खान तो भाई बिल्कुल नहीं थे, बल्कि बाजीगर का विलेन वाला रोल सलमान खान, अजय देवगन या फिर अक्षय कुमार को दिया जाना था। अब इन तीनों एक्टर्स को ये रोल ऑफर किया गया, लेकिन जब फिल्म के मेकर्स बाजीगर में काम करने के लिए सितारों के पास पहुंचे तो उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो उस समय तीनों ही फिल्मी सितारों ने इस रोल को करने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त सभी का करियर बिल्कुल शुरुआती दौर पे था और उन्हें लगता था कि अगर वो एक बार विलेन का किरदार निभा देंगे तो भैया ऑडियंस कभी भी उन्हें हीरो के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए कोई भी अपने करियर के साथ रिस्क लेकर इस फिल्म को नहीं करना चाहता था। जब फिल्म मेकर्स को इन सभी सितारों की तरफ से निराशा हाथ लगी तो उन्होंने शाहरुख खान को इस रोल के लिए अप्रोच किया और शाहरुख खान ने बिना कुछ सोचे समझे विलेन का किरदार निभाने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि शाहरुख खान को लगता था कि अगर वो बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देंगे तो भले ही ऑडियंस उन्हें विलेन के तौर पर देखेगी लेकिन उनकी एक्टिंग को तो पसंद करेगी ना। और शाहरुख खान की यही पॉजिटिविटी उनके काम आ गई। बाजीगर में लोगों ने शाहरुख खान को तो खूब पसंद किया और उनके डायलॉग्स और उनका स्टाइल तो जमकर फेमस हुआ, और उसके बाद तो शाहरुख खान को एक से बढ़कर एक फिल्में ऑफर होने लगी। फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात करें तो मूवी में शाहरुख खान के अलावा शिल्पा शेट्टी और काजोल साथ में दिखाई दिए थे। पर क्या आपको ये पता है कि जब इस फिल्म की कास्टिंग हो रही थी तो स्टोरी को सुनने के बाद शिल्पा शेट्टी इस रोल को बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फिल्म के अंदर एक ऐसा सीन था जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उस सीन को करने के बारे में सुनते ही शिल्पा शेट्टी के मन में डर बैठ गया कि भैया ये कैसे होगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि उस दौरान शिल्पा शेट्टी के लिए भी फिल्मी करियर बहुत ही नया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि जब शिल्पा शेट्टी को उस सीन के बारे में बताया गया ये कि जब शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को ऊंचाई से नीचे धकेल देते हैं, यहाँ पे ये सीन शिल्पा शेट्टी को रियल में परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस बात को सुनकर तो वो हैरान हो गई कि क्या बात कर रहे हो, ये मेरे से कैसे होगा। लेकिन फिर वो ना केवल इस किरदार को बल्कि इस पूरे सीन को रियल में करने के लिए तैयार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे उस खतरनाक सीन को शूट किया गया था जहां शाहरुख खान का किरदार शिल्पा शेट्टी को ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। इस सीन के बारे में शिल्पा शेट्टी का कहना है कि उन्हें पहली बार तो ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा ही नहीं बचेंगी। ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही खतरनाक था, लेकिन इससे उन्हें काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो करते हैं। वैसे आपको बता दें कि भले ही ये एक खतरनाक सीन था लेकिन इसमें सिक्योरिटी का पूरा पूरा ख्याल रखा गया था। जहां शिल्पा शेट्टी को गिराया गया था वहां पर बड़े बड़े गद्दे लगाए हुए थे ताकि उनको कोई भी चोट ना लगे, और इस सीन को रियल में इसलिए भी किया गया था क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वीएफएक्स के जरिए इस तरह का सीन फिल्माया जा सके जो बिल्कुल रियल लगे, इसीलिए इस सीन को असली में परफॉर्म करना पड़ा। अब जहां शिल्पा शेट्टी को ऊंचाई से गिराया भी गया था, और आपको बता दें कि यह सीन सिर्फ एक बार में ही तैयार नहीं हुआ था, इस सीन को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए कई सारे रीटेक भी लिए गए थे। वैसे दोस्तों, बाजीगर मूवी के कई सारे गाने भी हिट हुए हैं लेकिन इसमें जो सबसे पॉपुलर गाना था वो ये था, ये काली काली आंखें तुरुरु, याद है ना ये वाला गाना, जो आज भी लोगों को बहुत ही पसंद है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गाने को शूट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी हुई है। चलिए आपको हम बताते हैं। जहां इस गाने के बिहाइंड द सीन में शाहरुख खान को बार बार सही तरीके से डांस करने के लिए डांट पड़ रही थी जबकि काजोल अपने डांसिंग स्टेप्स बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, तो यही तो मुसीबत थी कि काजोल अच्छे से कर रही और शाहरुख भैया कर ही नहीं पा रहे थे।
तभी अचानक से शाहरुख खान ने भी स्टेप्स पकड़ लिए और फिर जाकर इस गाने को अच्छी तरीके से शूट किया गया। अब आप बिहाइंड द सीन में देख सकते हैं कि कैसे शाहरुख खान और काजोल अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस गाने को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इसे 360 डिग्री एंगल पर शूट किया गया था। अब दोस्तों, आपको बाजीगर मूवी का वो सीन तो अच्छे से याद होगा ना, जिसमें शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी शादी करने के लिए मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि वो कोई मजिस्ट्रेट ऑफिस नहीं था, बल्कि वो होटल रंग शारदा था। ऐसे में जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो होटल पर व्हाइट पेंट किया गया, जिसकी वजह से ये होटल एक मजिस्ट्रेट ऑफिस का लुक दे रहा था। इसीलिए फिल्म की शूटिंग को यहां पर किया गया। और आज यानी कि लगभग 30 साल बाद भी जब वापस होटल को देखने के लिए आप जाएंगे, यकीन मानिए ठीक वैसा का वैसा ही दिखता है जैसा बाजीगर की शूटिंग के दौरान दिखता था। दोस्तों, बाजीगर मूवी आज से तकरीबन 30 साल पहले शूट हुई थी और इसे पूरी तरीके से शूट होने में 1.5 साल का लंबा वक्त लग गया था। जहां आज फिल्में 2 से 3 महीने में शूट होकर रेडी हो जाती हैं, वहीं एक्टर्स ने पूरे 1.5 साल तक इस प्रोजेक्ट में काम किया। बाजीगर मूवी के ज्यादातर सीन मुंबई में ही शूट किए गए थे, क्योंकि फिल्म की कहानी में ज्यादा बाहरी सीन थे ही नहीं। इसीलिए शूटिंग के लिए मेकर्स को यहां वहां नहीं भागना पड़ा। लेकिन शूटिंग के दौरान जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी वो बाबरी मस्जिद वाला कांड था। जी हाँ, फिल्म 1992 में शूट हो रही थी, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, लेकिन तभी बाबरी मस्जिद को लेकर दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं और फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ जाता है। जहां बाबरी मस्जिद को तोड़ने की वजह से हिंदू मुस्लिम दंगे इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि मेकर्स फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चिंता में आ गए, क्योंकि फिल्म में उनका हीरो एक मुस्लिम था। हर कोई सोच रहा था कि क्या फिल्म को जनता एक्सेप्ट करेगी। इसीलिए भी शूटिंग को 4 महीने के लिए रोक दिया गया। जब तक मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, तब तक फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ना केवल शूटिंग को थोड़े वक्त के लिए रोक दिया, बल्कि फिल्म की रिलीज डेट को भी पोस्टपोन कर दिया गया। दोस्तों, शूटिंग के दिनों को याद करते हुए फिल्म के मुख्य खलनायक दलीप ताहिल एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि फिल्म के अंदर एक ऐसा सीन था जहां उन्हें शाहरुख खान को जोरदार थप्पड़ मारना था। अब दलीप को सीन को इस तरीके से दिखाना था कि फिल्म देखने वाली जनता को ऐसा लगे कि उन्होंने शाहरुख खान को बहुत ही करारा थप्पड़ मारा है। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने दलीप ताहिल और शाहरुख खान दोनों को ही ये सीन अच्छे तरीके से समझा दिया कि भैया देखो ऐसा ऐसा करना है। अब शाहरुख खान के करियर की तो शुरुआत थी और वो किसी भी तरीके का ईगो नहीं रखते थे। उन्हें चाहिए था कि बस कैसे भी करके ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। इसलिए शाहरुख खान दलीप ताहिल को सेट के पीछे ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए, आप मुझे जितना चाहे उतने जोर से थप्पड़ रसीद कर दीजिएगा, लगा दीजिए, लेकिन ये सीन जो है वो कमाल का शूट होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, कहा तो ये भी ज्यादा है कि इस फिल्म को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए और सीन को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए दलीप ताहिल ने शाहरुख खान को सेट के पीछे भी थप्पड़ मारा था। तो दोस्तों, ये थी शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर की कहानी, जिसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।